आजादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक पर्व है अपने वर्तमान को सजाते संवारते हुए इतिहास को भी याद करने का और ऐसा करते हुए सुनहरी भविष्य की ओर अग्रसर होने का। इस महापर्व को मनाते हुए हम आज़ादी के संघर्ष को याद कर रहे हैं, अपने इतिहास के खट्टे मीठे अनुभव सबके साथ साझा कर रहे हैं और अपनी स्वर्णिम यादें तथा अनमोल विरासती धरोहर पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा प्रयास उन लोगों के यत्नों को भी सामने लाना है जो हमारी कला, संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं को संजो कर रखने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम किया है शाश्वत आर्ट गैलरी ने। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं अपने साथ इसी गैलरी में। तो श्रोताओ, इस समय हम पहुंच चुके हैं शाश्वत आर्ट गैलरी, जो कि एक म्यूजियम भी है और मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी है। हमारे सामने हैं सुरेश एब्रोल जी। सुरेश जी, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम आपकी इस लाइब्रेरी और म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। आपका और आपकी पूरे टीम का यहाँ पे हमारे आर्ट गैलरी का म्यूजियम में स्वागत है। सुरेश जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में हम उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो देश के लिए मान सम्मान और फख्र की बात कर रहे हैं या उन कामों से जुड़े हैं, और आपने जिस तरह से इतना कुछ संजो के रखा हुआ है अपने म्यूजियम में और वो भी अपने लेवल पर, मैं चाहता हूं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ कि नायाब चीजों को आप संजो कर संभाल कर रखें। ये जो विरासत आप देख रहे हैं, ये एक दिन का कलेक्शन नहीं जी, ये सालों साल का कलेक्शन है। कलेक्शन शुरू हुआ इसका दौर जब हमारे दादाजी लाला रिखी राम जी जो थे, वो महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे जी। तो उन्होंने शुरू शुरू में सोने चांदी के सिक्के या कोई मेडल, क्योंकि वो बेसिकली ज्वेलर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने सोने चांदी की ज्वेलरी और ये मेडल सिक्के हो गए या कोई पुरानी ज्वेलरी हो गई, उसको उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया जी। तो वो सुबह नहाने के लिए, पहले ये प्रथा होती थी, लोग सुबह नहाने के लिए तभी नदी पे जाते थे जी, या पंडित पुरोहित उनकी फैमिली के कुछ लोग क्या है कि उनके बुजुर्गों की डेथ के बाद क्या करते थे, वो लोग वहां पे आके कुछ मैनुस्क्रिप्ट पंडलोपियों को जल प्रवाह करते थे। अच्छा। तो इनके ये सोचना था कि जिनके घर से प्रतिलिपियां आ रही हैं जी, वो तो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे जी, और आज की डेट में जो जल प्रवाह कर रहे हैं उनकी मरने के बाद, तो वो वहां से उठा के लाते थे। तो शाम के टाइम में क्या होता था कि जैसे आप देखते हैं कि पहले एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे जी, तो चार छह लोग जा चौपाल पे बैठते थे या किसी की दुकान पे आके बैठ जाते थे, तो आपस में बताते थे। जितने भी लोग उनके आगे पीछे सराउंडिंग में थे, वो कोई महाराजा के दरबार में राजवैद्य था, कोई पुरोहित था, कोई पंडित था, कोई हिस्टोरियन था, या कोई राजा की फौज में काम करने वाला था, तो इन्हीं लोगों के साथ ही इनके ज्यादा उठना बैठना हुआ करता जी, था जी। तो कुछ लोगों ने इनको इनकी अहमियत बताई होगी, तो इन्होंने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसी तर्ज पे जब मेरे पिताजी थे, उन्होंने भी गाय अपने घर में रखी थी और सुबह तभी नदी जाते थे जी। नहाने से पहले वो घास इकट्ठी करते थे और उसके बाद वो वहां से जब आते, तब उन्होंने भी कई सारी पंडलोपियां वहां से कलेक्ट करके लाई हुई है जी। 1986 में जब मैं जीजीएम साइंस कॉलेज में पहुंचा, तो हम लोग एक कॉलेज टूर पे गए, तो मैंने प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में जी इस टाइप का संग्रह जो है वो देखा जी। जब वो संग्रह देखा तो मुझे भी ये हुआ कि क्यों ना हम अपने घर में, हमारे घर में इतना खजाना रख रखा है, तो क्यों ना इसको भी हम लोग डिस्प्ले करके तो एक छोटा सा म्यूजियम क्रिएट करें जी। वो चीज फिर मैंने अपने पिताजी को बताई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी धारणा है ये ऐसा हम कर सकते हैं जी। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये जो पांडुलिपियां थी इनकी बाइंडिंग करवाना शुरू कर दी जी। जितने भी हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग्स थे इंडियन पहाड़ी मिनिएचर्स में, क्योंकि हमारे पास जो भी मिनिएचर्स है वो
जम्मू कश्मीर लद्दाख के कल्चर को डिपिक्ट करने वाले हैं, इन्हीं के स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करते ही मिनिएचर पेंटिंग आपको मिलेंगी। उनको जी हमने फ्रेम करवाना शुरू कर दिया और कुछ जब इस लाइन में हम लोग घुसे तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव से अप्रोच किया, तो वहां पे मोहम्मद हुसैन मखदूमी साहब थे जो कि बाद में एज ए डायरेक्टर भी रिटायर हुए, तो वो शाम के टाइम में हमारी दुकान पे आते थे, पिताजी को गाइड करते थे कि इनको इस तरीके से फ्रेम करो, इस तरीके से इनकी माउंटिंग करवाओ, जी इसमें एसिड फ्री अगर आप माउंट शीट लगाएंगे पेंटिंग को माउंट करने में तो वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सुरेश साहब, जब हम आपकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि बड़ी तंग जगह है, एक छोटी सी दुकान जितनी जगह भी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपने यहाँ गागर में सागर भर के रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जब सीढ़ियां चढ़ते हुए दोनों साइड्स पर ये जो पेंटिंग चित्रकारियां जो खूबसूरत लगाई गई हैं, ये एक श्रृंखला लग रही है जिस तरह से कहानी बयां की हो, मैं चाहूंगा कि इन पेंटिंग्स के बारे में आप हमारे सुनने वालों को बताएं जरा। ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, जो भी कोई हिस्टोरियंस हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो हमें बताया गया, क्योंकि ना तो हम हिस्टोरियन थे ना ही हम लोग कोई ऐसे पेंटर थे, तो जी डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स के सौजन्य से जो भी एक्सपर्ट्स हमें आए दिन तक मिले तो जी उन्होंने इन पेंटिंग्स के बारे में हमें जो बताया है वो बताते हैं कि ये बसोली में जो मनकोट एरिया है जी वहां पे ये बनाई गई पेंटिंगें हैं, और इसका जो सब्जेक्ट है वो अयोध्या वाल्मीकि कांड। जी स्टार्ट इन्होंने किया है, सभा सद बैठे हुए हैं, वो महाराजा दशरथ जी को सुझाव देते हैं कि अब श्री रामचंद्र जी जो है वो राजा बनने लायक हो चुके हैं, उनकी जो जी शिक्षा दीक्षा हुई है जी जी उसके अकॉर्डिंगली अब इनको राजपाठ आपको दे के तो आप दे दे। तो ये सीन जो आप देख रहे हैं ये सभासद का बैठने का है, जी तो इसके आगे आप चले जाएंगे तो वो अपनी सभी रानियों के साथ महाराजा दशरथ जी जो है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे आप चलेंगे तो आपको ब्लू कलर की साड़ी डाले हुए एक देवी लेटी हुई है, ये माता कैकेयी है, जी ये यहाँ पे चित्र में लिखा भी गया है, तो वो कुप भवन में बैठी हुई है। तो जी ये पूरी जो श्रृंखला है ये महाराजा श्री रामचंद्र जी के सभासद के कहने से जो राजपाट का सुझाव दिया गया है तब से लेके वनवास काट के वापस आने तक का पूरा चित्रण इसमें दिया गया है। जी और इसमें पूरा और देखिए महल बने हुए हैं, महल में गलियां हैं, झरोखे हैं, चौबारे हैं, पेड़ हैं, और कितनी बारीकी से ये काम किया गया है इसमें। जी, तो इसका जो साइज है 12 इंच बाय 18 इंच, जी इसमें जो कलर्स आप देख रहे हैं जितने भी कलर इसमें यूज किया गया था वो पुराने टाइम में जो हाथ से बनाए गए कलर होते थे जैसे स्टोन कलर वेजिटेबल कलर्स के साथ इनको जो है वो डेकोरेट किया गया है। जी और जो भी एक्सपर्ट्स जो भी हिस्टोरियन जिनके द्वारा हमने इनकी जो जो वेरिफिकेशन करवाई है जी उनका कहना है कि इसकी अगर आप अच्छे ढंग से इनको संभाल के रखेंगे जैसे फ्रेम करके रखेंगे तो समझो कि इसकी सालों साल जो है वो लाइफ और आगे बढ़ सकती है। जी तो इसमें जो भी है वो हैंडमेड पेपर यूज किया गया है, और जी ये टोटल सीरीज में 38 पेंटिंगें हैं। जी ये हमने नीचे से लेके ऊपर तक जो है ये सारी सीरीज जो है यहाँ पे डिस्प्ले करके रखी है। ये जो सीरीज है ये इसका रेप्लिका है, ओरिजिनल हमने रिजर्व में अपने रखी हुई है, जी वो हम ओरिजिनल में भी कुछ पेंटिंग्स आपको दिखाएंगे क्योंकि ये कुछ साल पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक लीला नाम करके एग्जीबिशन की गई थी, वहां पे उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से रामायणा के चित्र या रामायणा के हर टाइप का मटेरियल पूरे हिंदुस्तान से मंगवाया था, जी और इसी तरीके से हमें भी उन्होंने अप्रोच किया, तो हमने ये 38 की 38 पेंटिंगों का जो रेप्लिका था वहां पे हमने सिलेक्शन के लिए भेजा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी एजेंसी है, उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से हमने ये मटेरियल रामायणा के रिलेटेड कवर करना है, तो जी हम आपकी जो है वो 15 पेंटिंगें जो है 15 से 20 पेंटिंगें यहाँ पे डिस्प्ले में डालेंगे। जी 2017 में हमने ये लीला एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यू दिल्ली में। अभी तो शुरुआत है आपका म्यूजियम देखने की और हमारा सीना जो है वो फख्र से चौड़ा हो रहा है। ये आपके जो टेबल के ऊपर ये चित्र लगा है बहुत विशाल चित्र है और इसका कुछ भाग मैं देख रहा हूँ कि खराब हो चुका है थोड़ा सा, तो आप मुझे समझाने की जहमत करेंगे कि ये क्या चीज है और बड़ा विस्तृत सा लग रहा है एक्सप्लेन किया हुआ। जगमोहन जी ये जो आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं ये कपड़े के ऊपर बनाया गया चित्र है। जी हमारे जो कश्मीर के विद्वान थे उन्होंने संस्कृत में से एक नया लिपि निकाली थी,
जी जिसको हम शारदा लिपि के नाम से जानते हैं। जी 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 ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सीढ़ी आपको दिख रही होगी जी, बेसिकली ये जो है वो कर्मफल है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के नाम से शुरू करके तो नहीं ना पूरी ये सांप सीढ़ी बना रखी है, इसको कर्मफल बोलते थे। ये देखने में ये ऐसे लगता है जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो सांप सीढ़ी जैसा ही कुछ गेम तरह लग रही है ये। ये कर्मफल ये जो था वो जो राजा महाराजा लोग थे वो क्या करते थे कि वो अपने जो भी इनके पुरोहित वगैरह थे या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले जो लोग थे जो इनके आगे पीछे देख रेख में होते थे, तो वो इनको कुछ ना कुछ काम में लगा रखते थे। और आप इसमें देखेंगे कि ये जो पूरा कर्मफल का चित्रण जो जो बनाया गया है, इसका पीरियड कम से कम भी जो है वो 150 साल से ऊपर का पीरियड है जी। और आप इसमें देखेंगे कि आज के टाइम में जितने भी कोई चित्रकार होते हैं वो अपना नीचे नाम लिखते हैं जी। तो जो कि हिस्टोरियंस हमें जो गाइड करते हैं उनका कहना है कि पहले क्या था कि जो भी चित्रकला की जाती थी या कुछ लिखा जाता था हिस्टोरियंस के द्वारा, वो उनको महाराजा का या राजा के लिए वो लोग काम करते थे। इसलिए किसी भी आप चित्र के नीचे किसी का कोई कभी भी नाम नहीं देखेंगे जी। तो इसमें भी क्या है कि ये पर्टिकुलर एक अपने राज्य के ऊपर बनाया गया पूरा ये कर्मफल है जी। तो इसमें ये बताया जाता है कि शास्त्रों के रिलेटेड कि आगे आने वाला टाइम कैसा होगा, पीछे बीता हुआ टाइम कैसा होगा जी, जी। आप कैसा कर्म करेंगे तो आपको किस तरीके का फल मिलेगा जी। सुरेश जी, ये आपके इस कॉर्नर में इतना खूबसूरत सा कुछ मुझे ये कपड़ा जैसा लग रहा है, और उसके टॉप पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर फूलों की आकृतियां बनाई गई है, और अंदर क्या है पूरा प्लेन है, ये क्या चीज है अगर आप बताने का कष्ट करें तो। जगमोहन जी, ये हमारा बड़ा एक स्पेशल कलेक्शन है। बेसिक ये होली कुरान है जी। और इसका जो साइज है वो 10 इंच ये चौड़ा है और 5 फीट लंबा है विद डिजाइन जी। सुरेश जी, इसमें कुरान शरीफ जैसा तो कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा ये तो। हाँ, इसको मैं वही आपको अभी आगे बताऊंगा कि इसको देखने के लिए आपको मुहद्दब मैग्नीफाइंग ग्लास का वो यूज लेना पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको आप अगर आप देखेंगे तो इसको 30 एक्सिस का जो हाई ग्लास है उसके साथ इसको देखा जाएगा। ये लीजिए आप हाई ग्लास और इसको आप अच्छी तरह से देखें तो इसका जो साइज, बड़ी ही खूबसूरत कैलीग्राफी का नमूना और इतनी बारीक जो कि आंखों से दिखाई नहीं दे रही। इसको तो मैं एक कोई कपड़ा समझ रहा था कि प्लेन कुछ है, लेकिन ये तो खूबसूरती से कुरान शरीफ इसके ऊपर लिखा गया है पूरा। सुरेश जी, ये तो बड़ी ही एक नायाब कलेक्शन है। मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को एक्सप्लेन करें कि ये एक ही कपड़े पर, एक ही कागज पर, एक ही फ्रेम में पूरा कुरान शरीफ लिखा हुआ है इस पे, आप इसके बारे में डिटेल में बताइए। हाँ, जितना हमें एक्सपर्ट्स या हिस्टोरियंस ने आए दिन तक गाइड किया है, इसमें पूरा ये मैंने आपको बताया ना कि इसका 10 इंच बाय 5 फीट इसका साइज है, और इसको अगर देखना होगा तो आपको एक 30 एक्सिस का हाई ग्लास, ऐसे तो 10 एक्स का भी देख सकते हैं, 20 एक्सिस के हाई ग्लास से भी देख सकते हैं। अगर आपको इसको क्लियरली देखना है तो 30 एक्सिस के हाई ग्लास के साथ इसको आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके तो आप इनके अक्षर को पढ़ सकते हैं। और ये पूरा अरबी में लिखा गया है, इसमें कम्प्लीट का कम्प्लीट 30 के 30 पारा है, और हर पारे को हर चैप्टर के साथ पूरी तरह से इसको एलेबोरेट करके लिखा गया है। और नईम साहब के रिक्वेस्ट बेसिस पे हमारी फैमिली ने एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर लैंग्वेजेस के बैनर के साथ मिलके हमने श्रीनगर में इसका एग्जीबिशन भी किया था। आप आगे चलकर देखेंगे तो हमारा जो म्यूजियम की गैलरी है वहां पे आपको और भी इसके साथ का मटेरियल मिलेगा, और इसके लिए हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा जो अच्छा श्रेय जो है वहां के लोगों द्वारा दिया गया था, बहुत प्यार हमें वहां पे दिया गया था। सुरेश जी, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके इस रूम में एंटर करते ही राइट साइड पे कुछ फ्रेम्ड कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं फ्रेम करके रखे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इन कॉइन्स की खसूसियात के बारे में बताइए कि इनकी क्या स्पेशलिटी है इन कॉइन्स की। हाँ, ये जो आप जगमोहन जी, ये 3-4 कैबिनेट्स के अंदर जो वुडन कैबिनेट्स हैं इनके अंदर ये जो आप कॉइन्स डिस्प्ले करे हुए देख रहे हैं जी, ये अलग अलग रूलर्स के पीरियड को दर्शा हैं जी। हमारे पास जितना भी हम लोग का ये कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये हमने कहीं बाहर जाके इकट्ठा नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्तन शर्तनों का काम करने वाले लोग हैं, हो सकता है पिताजी उनके पास जाते थे जी, तो तांबे पीतल के या इसके चांदी के जो कोई क्वाइंट श्वाइंट उनसे मिल जाते थे वो उनसे एक्सचेंज कर लेते थे, उनकी जगह उनको वो कुछ और दे देते थे, उनसे ले आते थे जी। तो इसमें आपको अलग अलग एरा के क्वाइंट्स देखने को मिलेंगे
जी जो देख रहे हैं ये कुषाण पीरियड के कॉइन्स हैं, ये तांबे के सिक्के हैं। इसका जो वेट है ये कोई 12 से 13 ग्राम का एक कॉइन्स का वेट होता है। जी और यूजली जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस तरह के जो कॉइन्स हैं, ये जी हमारा जो अखनूर में अंबारान वाली जो साइट है वहां पे ऐसे कॉइन्स देखने को मिले हैं। जी ये जो दूसरे आप छोटे छोटे कॉइन्स देख रहे हैं, इसमें 2-3 किस्म के कॉइन्स हमने आए दिन तक देखे हैं। जो हिस्टोरियंस हमें कहते हैं या एक्सपर्ट्स कहते हैं जी कि इसमें एक साइड में घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा हुआ और दूसरी तरफ इसको बैल बैठा हुआ है। जी और इस कॉइन्स का जो पीरियड है वो 875 AD। जी ये किंग ऑफ काबुल सामंता देवा, ये जी काबुल में एक हिंदू राजा हुआ करते थे 875 AD में, जी तो उसको सामंता देवा के नाम से जाना जाता था। जो बिगड़ते बिगड़ते कई लोग उसको सपलापति देवा भी कहते हैं। जी तो इसमें आपको चांदी के कॉइन्स भी मिलेंगे, तांबे के कॉइन भी मिलेंगे, और कुछ कुछ आप देखेंगे इसमें ये जो कुछ कॉइन दिख रहे हैं, ये तांबे के कॉइन्स के ऊपर चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। अच्छा मतलब उनकी साइंस कितनी एडवांस रही होगी कि उस टाइम भी वो जो थे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे। जी आगे जो आप कॉइन देख रहे हैं, ये गोल्डन कलर का कॉइन जो देख रहे हैं, ये इसको शाही टोकन बोला जाता है। जी इसमें इसमें सोने के कॉइन्स भी हुआ करते थे और इसमें कॉपर के ऊपर सोने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है। जी ये कहते हैं कि जो कॉपर के ऊपर सोने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, ये जो रूलर्स, जो भी कोई रूलर होगा जिसके ये निकाले गए कॉइन्स है, क्योंकि इसको हम लोग अभी शोध करवा रहे हैं, इसका हमने पूरा अंडर रिसर्च अभी चल रहा है, प्रोसेस वगैरह। जी तो जो शोधकर्ता या जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हो सकता है कि जो गोल्ड के जो कॉइन्स हैं उसको तो फैमिली मेंबर्स, जो जैसे राजा से जुड़ी हुई उनकी फैमिली या जी उनके मेंबर्स या उनके जो आगे पीछे वजीर वगैरह या जो बाकी लोग हुआ करते थे, जी वो सोने का सिक्का चलाते थे और उसका जो रेप्लिका है वो पब्लिक के लिए उन्होंने ओपन रखा हुआ होता था। जी और आगे इसके आप देखेंगे इसमें अलग अलग आपको मुगल एरा के ये चांदी के और तांबे के सिक्के देख रहे हैं। जी इसमें मोहम्मद शाह का कॉइन, ये जो आप देख रहे हैं ये मोहम्मद शाह का कॉइन है, ये शाह आलम का कॉइन है, ये फारूक शेर का कॉइन है, जी ये जो आप चोरस कॉइन देख रहे हैं 6 ग्राम वाला, जी ये अकबर रूलर रहा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पीरियड का सिक्का इसको बोला जाता है, इसको जी चोरसी बोले जाते हैं। जी और ऐसा जो एक्सपर्ट्स, जैसे हमने आर्काइव्स को अप्रोच किया तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ये आपके पास क्वाइन कहाँ से आए हैं, जी हमने बोला हमें तो मालूम नहीं, ये हमारी विरासत में पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो जी उनका ये कहना था, ये जो अखनूर से आगे जाएंगे पुंछ रजौरी, ये जो मुगल रोड हुआ करता था, जी इसी रूट के ऊपर उन लोगों का कहना है कि इस टाइप की खुदाई में ऐसे सिक्के मिलते हैं। जी अबरोल साहब, ये चीजें तो हम आर्ट एग्जीबिशंस में या म्यूजियम्स वगैरह में देखते आए हैं, लेकिन आपने अपने लेवल पर, अपने घर में कह सकते हैं, इन सबको संजो के रखा हुआ है, ये चीजें तो काबिले दाद हैं ही हैं। मैं तो कहूंगा कि आप भी, आपका परिवार भी काबिले दाद है, काबिले तारीफ है। हमारी इस रिच जो हमारा कल्चर है, हमारी आर्ट है और हमारा ये जो सरमाया है, इसको आप संभाल कर रखे हुए हैं। ये मैं देख रहा हूँ इस कैबिनेट में ये जो ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये ज्वेलरी कहाँ की है, कब की है, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं। ये जो आप ज्वेलरी यहाँ पे सर डिस्प्ले की हुई देख रहे हैं, जी ये हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो प्रदेश हमारा, जो आज तो ये यूटी बन गया है, पहले जी हमारे ये 3 रीजन हुआ करते थे हमारी रियासत के, तो जी ये तीनों रीजन की ज्वेलरी जो है ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले में डाली हुई है। जी इसमें आप देखेंगे कि ये जो ज्वेलरी है ये डोगरा कल्चर को डिपिक्ट करती है। जी ये जो ज्वेलरी आप दूसरी टाइप की देख रहे हैं, ये गुजरों में एक कम्युनिटी गद्दी भी होती है और जी एक बकरवाल भी होते हैं। अच्छा तो गद्दी कम्युनिटी के जो लोग थे वो बेसिकली कुछ फैमिलीज हिंदू होती थी और कुछ मुस्लिम्स भी होती थी, जी जैसा कि हमें हिस्टोरियंस कहते हैं। तो वो जो हिंदू फैमिली थी, वो जो ये जो सेंटर में आप लॉकेट देख रहे हैं जी इसमें वो देवी देवताओं का चित्र डाल देते थे, और जी जो मुस्लिम फैमिलीज थी
वो इसके अंदर ग्रीन कलर का डॉट या ग्रीन कलर का कोई ऐसा कलर लगा देते थे, जी या उसको बिल्कुल प्लेन रखते थे, प्लेन टाइप का जंतर बॉक्स लगता है जी लगाते थे। बोलता है चमकली, कोई इसको बोलता है रुपए वाला हार, जी कोई इसको बुलड़े के नाम से जाना जाता है। मतलब इनके अलग अलग, आप जैसे जम्मू से चलेंगे तो उधमपुर में जाएंगे तो भाषा, रहन सहन, खान पीन, वो आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर 20 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो ऐसे ही ज्वेलरी का जो सिस्टम था वो भी आगे आगे चलते तो टाइल एंड पैटर्न इसका चेंज हो जाता है। जी तो जितना हो सका है अभी तक हमारे पास कोई 25 से 30 किलो चांदी की ज्वेलरी है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने हमने कोई 10-12 किलो जो है ज्वेलरी वो डिस्प्ले में डाली और बाकी हमने रिजर्व में रखी हुई है। तो जी ये हमारे तीनों रीजन को कवर करती है। जी हो सकता है अभी हम पूरे टाइप का इसमें कलेक्शन ना कर पाए होंगे भी, लेकिन जितना भी है वो यहाँ पे कई सारे शोधकर्ता यहाँ पे आते हैं। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी से संस्कृत डिपार्टमेंट हो गया, म्यूजोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, उर्दू डिपार्टमेंट के कुछ स्कॉलर्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं, जी बुद्धिस्ट स्टडी डिपार्टमेंट से हमारे पास स्कॉलर्स यहाँ पे कई बार आए हैं, जी पटियाला यूनिवर्सिटी से कई सारे स्कॉलर्स ने यहाँ पे आके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया है, और अभी देवप्रयाग उत्तराखंड से भी कुछ स्कॉलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। जी आज दिन तक हमारे पास यहाँ पे 264 के आसपास जो PhD स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग विषयों में, जी कोई मेनुस्क्रिप्टोलॉजी के ऊपर शोध कर रहा है, कोई जेनियालॉजी के ऊपर कर रहा है, कोई जम्मू की चित्रशैली के ऊपर शोध करता है, या कोई कश्मीर की चित्रशैली के ऊपर शोध कर रहा है, जी कोई पहाड़ी जो कल्चर के ऊपर शोध कर रहा है। मतलब अलग अलग शोधकर्ता जो है वो किसी ना किसी तरीके से पूछते पछाते हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, जी और हमारे तरफ से जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है हमने हर टाइप के स्कॉलर्स के लिए यहाँ पे दरवाजे खोल रखे हैं। और हम कभी भी किसी भी स्कॉलर से किसी किस्म का कोई भी रिम्यूनरेशन जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। जी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये छोटा सा एक गेस्ट हाउस है 2 रूम का, जी तो यहाँ पे हम उन स्कॉलर्स को ये भी परमिशन देते हैं कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। जी हमने खाना बनाने का सिस्टम तो रखा है, जी लेकिन हमने सिर्फ उतना ही रखा है जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये तो इन लोगों को जब दोपहर का खाना खाना तो ये लोग यहाँ पे खुद ही बना लेते हैं। जी तो हम उनको बोलते हैं कि आप इसमें अगर इनको हेल्प कर सकते हैं तो आप करिए और पकाइए, बनाइए और खाइए और रेस्ट कीजिए। जी तो ये कई सारे शोधकर्ता जो है वो दो दो चार चार पांच पांच 10 दिन भी यहाँ पे रहते हैं। जी सुरेश जी, ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ सामने एक और कैबिनेट में, यहाँ कुछ प्रीशियस स्टोन लग रहे हैं, उनसे बनी हुई चीजें लग रही हैं। क्या आप बताएंगे हमें कि ये क्या है एग्जैक्टली? छोटे छोटे बर्तन लग रहे हैं, कुछ पॉटरी जैसी लग रही है जो मैं समझ जी पा रहा हूँ। जगमोहन जी, जितने भी आप पॉटरी आप देख रहे हैं, जेड पॉटरी है जिसको यहाँ की लोकल भाषा में जहर मोरा भी बोला जाता है। जी तो ये जो जहर मोरा की जितनी भी आप ज्वेलरी ये यूटेंसिल्स देख रहे हैं, जी इसका ज्यादातर उपयोग जो थे वो आयुर्वेदाचार्य करते थे। जी जितने भी आयुर्वेदाचार्य थे, कौन सी मेडिसिन कितनी देर इसके बीच में प्रिजर्व करके रखनी है, दूध के कोई मेडिसिन प्रिजर्व करके रखनी है, पानी के साथ रखनी है, जी गौमूत्र के साथ रखनी है। ये जो आप पान पत्ता शेप में यहाँ पे लॉकेट देख रहे हैं, इसके पीछे आज की डेट में लाख भरी जाती है। जी तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे कि इसके पीछे जहर मोरा का ये एक पत्थर लगा देते थे, जी और इस पत्थर की जो शोधकर्ता या एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी कोई 40 किस्में इस पत्थर की आपको देखने को मिलेंगी, जी जिसमें मतलब कि उसकी काफी ज्यादा हार्डनेस, 9 हार्डनेस भी होगी, 8 भी हार्डनेस होगी, क्योंकि 10 हार्डनेस तो डायमंड की होती है। जी तो लास्ट ये 4.5 हार्डनेस का जो पत्थर होता है, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट स्टोन। जी तो इसका अर्नामेंटल यूज भी वो लोग करते थे, जी और कई जो हिस्टोरियंस या कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका कोई गिलास, कटोरी या कोई ऐसा बर्तन जिसके बीच में रात को पानी डाल दो जी और सुबह अगर वो पिया जाए तो उससे क्या होता था कि जो आपका हार्ट बीट करता है उस मतलब हार्ट का जो ब्लड को पतला करने का ये काम करते थे, वो वाला पानी जो इनटेक करते हैं लोग, जी ब्लड को पतला करने का काम करते थे। जब ब्लड पतला होगा तो आपको
बीपी हाई नहीं रेज करेगा, बीपी रेज नहीं करेगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी भी। तो कुछ जो आयुर्वेदाचार्य या शोधकर्ता है उन्होंने इसके ऊपर जो शोध करके हमें आए दिन तक बताया है कि इसका रात को पानी अगर इसमें डाल के तब सुबह वो वाला पानी खाली पेट पिया जाए तो उससे क्या होता है कि ब्लड पतला हो जाता है। सुरेश जी, जो ये विरसा जो आपने संजो कर रखा है, मुझे नहीं लगता कि एक कार्यक्रम में सारे को इंक्लूड किया जा सकता है या इसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन जल्दी जल्दी आज का प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये शेल्फ में हम देख रहे हैं कि कुछ घोड़े हाथी बने हुए हैं, ऊंट बने हुए हैं और कुछ ये पॉट्स हैं, मुझे तो इस तरह से लगता है जैसे हुक्के का बेस होता है, ये वो चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि इनके बारे में बताइए कि इनकी क्या स्पेशलिटी है इन चीजों की। हाँ जगमोहन जी, क्या था कि पहले टाइम में टीवी नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, पंखे नहीं थे या कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, टाइपराइटर नहीं थे। उस टाइम क्या होता था कि लोग चौपाल में आपस में इकट्ठे बैठ के थे बताते थे जी। अगर कोई जहाँ तो वो कोई लोकल जो सॉन्ग्स होते थे जिसको हम जैसे हमारे यहाँ पे गिद्दू बोला जाता है जी, जब पहाड़ों में आप अगर जाएंगे तो आपको पहाड़ों में वैसे एंटरटेनमेंट के साधन नहीं मिलेंगे। जी, जी, जी। आज मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है जी। तो उस टाइम क्या होता था कि आपस में लोग शाम को बैठ जाते थे तो वो हुक्का गुड़गुड़ाते थे जी। ये जितने भी आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साइलेंट पैटर्न में ये हुक्का बेसिस हैं जी। तो ये नहीं है कि इसमें हुक्का जो था वो सिर्फ मर्द लोग हैं वही इंटेक करते थे, इसमें फीमेल भी हुक्का जो थी वो पीती। तो ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट का साधन था जी। और जो गांव चौपाल में बैठे हुए लोग बुजुर्ग होते थे वो क्या करते थे कि चौपाल में वो हुक्के वहां पे 24 घंटे रखे हुए होते थे जी। तो वो हुक्का इंटेक करते थे और समझिए कि ये उस टाइम का एक एंटरटेनमेंट का साधन है जिसको ये जितने भी आप अलग अलग घंटे के जो हुक्का बेसिस देख रहे हैं इसमें चांदी के भी हैं, पीतल के भी हैं, तांबे के भी हैं जी। और इसमें अष्टधातु के भी, ये जो आप राउंड जैसा देख रहे हैं दो हुक्के देख रहे हैं जी, ये एक मेल का है एक फीमेल का है जी। आप इसका वेट और ये देखिए जो ओवल शेप का ये है ये तो काफी भारी है, इसका वजन अपने आप में बहुत भारी है जी। जी जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ओवल शेप वाला आप देख रहे हैं इसको नरगेला भी, मतलब इसको अलग अलग इनके नाम भी अलग अलग होते थे, इसको नरगेला बोला जाता है जी, इसको दुकड़ी बोला जाता है, इसको अंबड़ी बोला जाता है, मतलब आम की शेप वाला होगा तो अंबड़ी हो गया जी, टुका बोला जाता है, मतलब अलग अलग शेप एंड स्टाइल को अलग अलग इन्होंने लोग नाम दिए हुए यहाँ दिए हुए हैं। आप इसको एक नाम दे सकते हैं हुक्के के बेसिस जी। सुरेश जी, समय की कमी आड़े आ रही है हमारी इस बातचीत को आगे बढ़ाने में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि जो काम आपने किया है करते आ रहे हैं ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत महान काम है, अपनी विरासत को संभाल के रखना, अपने सरमाए को संभाल के रखना और वो भी अपने बूते पर, अपने इंडिविजुअल लेवल पर, ये बहुत बड़ी बात है। तभी तो हमने आपको अपने आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में शामिल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, जिस तरह शाश्वत आर्ट गैलरी अपने दम पर हमारी कला संस्कृति और परंपराओं की धरोहर को सजो के रखी है, ऐसे ही हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने इतिहास, अपने समाज, अपने कला संस्कृति और भाषा से जुड़ी चीजों को अपनी सतह पर संजो कर रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सकें और इस आजादी के अमृत की भावना को महसूस करते हुए आनंदित हो सकें। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया प्रणव शर्मा ने, वाचन स्वर स्थल रिकॉर्डिंग एवं आलेख जगमोहन शर्मा का, मार्गदर्शन एवं निर्देशन आर के रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की। आजादी का अमृत महोत्सव।